सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स यार। मैं सनी तिवारी आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन दो फोन्स के बीच में, एक है सैमसंग M42 और एक शाओमी का MI 10i। तो हम देखेंगे इनमें दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेज हैं और कौन सा फोन इनमें से बेटर है और हमें इनमें से कौन सा फोन लेना चाहिए। आज मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटा दबाना ना भूलें। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर सैमसंग M42 की बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो इसमें जो बैक में बिल्ड क्वालिटी दी हुई है वो पॉलीकार्बोनेट की है और इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 दिया हुआ है फ्रंट में। इसमें 193 ग्राम वेट के साथ आता है। अब थिकनेस की बात करें इसमें तो 8.3 mm की थिकनेस है। वहीं अगर हम बात करें MI 10i की तो इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है बैक में, फ्रंट में दोनों तरफ। और अगर बैक और फ्रंट में आप बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पे भी ग्लास है, आपको ग्लास देखने को मिलेगा वहां भी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके वेट की तो 215 ग्राम वेट है इसका और 9 mm की थिकनेस आपको देखने को मिलती है इस फोन की। तो अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और प्रोटेक्शन वाइज यहाँ पर MI 10i विनर होता है। तो अब बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की। अगर बात किया सैमसंग M42 की तो इसमें 6.6 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा जो कि HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है और इसमें सुपर एमोलेड पैनल भी मिलता है। अब बात करते हैं इसमें हायर रिफ्रेश रेट की तो इसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, उसी के साथ आपको 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। अब बात की जाए अगर MI 10i की तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है और IPS LCD पैनल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। और इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है आपको यहाँ। तो यहाँ पर भी MI 10i ही जीतता है क्योंकि HD+ सुपर एमोलेड पैनल से अच्छा जो है फुल HD+ IPS LCD पैनल है। तो अगर आप डिस्प्ले और रेजोल्यूशन में बात करें तो एक तो डिस्प्ले भी इसी में बढ़िया है, इसमें रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, टच सैम्पलिंग रेट भी इसी में अच्छा दिया हुआ है और पैनल भी इसमें अच्छा है, प्लस फुल HD+ का रेजोल्यूशन है। तो इन सबको देखते हुए MI 10i ही विनर होता है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर। तो दोनों में ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 8nm पर बना हुआ एक चिपसेट है जिसमें कि हीटिंग का इशू कम रहेगा और गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। इन दोनों में ही आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें स्टोरेज की तो UFS 2.1 की स्टोरेज आपको सैमसंग M42 में देखने को मिलेगी और UFS 2.2 की स्टोरेज आपको MI 10i में देखने को मिलती है जो कि थोड़ी सी सैमसंग से फास्ट है। तो अब बात करते हैं इसके कैमरे की। दोनों में ही आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है लेकिन सैमसंग में आपको प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, डेप्थ 5 मेगापिक्सल का और मैक्रो 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए अगर MI की तो MI में आपको प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, डेप्थ 2 मेगापिक्सल का और मैक्रो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की। तो सैमसंग M42 में आप 4K 1080 और 720 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं पर आप MI में अगर बात करें तो 4K और 1080 की ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी 30fps पर। सैमसंग M42 में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, वहीं MI में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर बात की जाए फ्रंट से वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों से ही आप 1080 में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps पर। अगर बात की जाए इन दोनों फोन की बैटरी के बारे में तो सैमसंग M42 में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 15 वॉट के चार्जर के साथ। और वहीं बात करें अगर हम MI में तो MI में 4820 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। तो यहाँ पर चार्जिंग सपोर्ट जो है MI का ज़्यादा फास्ट है, तो यहाँ पर क्लियरली विन होता है MI। आपको इन दोनों में ही 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक के बारे में तो दोनों में ही फेस अनलॉक देखने को मिलते हैं लेकिन सैमसंग M42 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा और MI 10i में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। अब फिंगरप्रिंट का आपका अपना अपना चॉइस है, तो इन डिस्प्ले जिनको पसंद है वो सैमसंग के साथ जा सकते हैं और जिसको साइड माउंटेड अच्छा लगता है उस MI के साथ जा सकते हैं। सैमसंग में One UI 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 11 के साथ, वहीं MI में MIUI 12 देखने को मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 10 के साथ। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी इसमें सैमसंग में काफ़ी हाई है, इन्होंने नॉक सिक्योरिटी सपोर्ट दिया हुआ है और साथ ही में सैमसंग पे भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो सिक्योरिटी के मामले में अगर देखा जाए तो सैमसंग यहाँ आगे है। अब बात करते हैं स्पीकर्स की। तो यहाँ पर M42 सिंगल स्पीकर के साथ आता है और MI 10i में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। तो स्पीकर्स के मामले में यहाँ पर MI 10i आगे है। वहीं वेरिएंट्स की बात की जाए तो सैमसंग M42 में आपको 6128 और 8128 देखने को मिलता है और
MI 10i में भी सेम ही है, 6128 और 8128 दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इसमें जो बेस वेरिएंट हैं दोनों के वो सेम प्राइस पर हैं, सेम प्राइस में आते हैं जो कि 21,999 हैं। तो अब बात करते हैं आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अगर आपको लाइट वेटेड या कम थिकनेस चाहिए या कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए तो आप सैमसंग M42 को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए फ़ोन की, फुल HD प्लस डिस्प्ले चाहिए, हायर रिफ्रेश रेट चाहिए और अच्छी बैटरी चाहिए फास्ट चार्जिंग के साथ और स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको अच्छे चाहिए तो आप MI 10i को ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी चीज़ मेरे से मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हो या किसी का कंपैरिजन, किस पर कंपैरिजन आप देखना चाहते हो, तो सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और घंटा दबाना ना भूलें। चलिए बाय।